नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी मुख्य समाचार की वीडियो में। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं दर्शक इस वक्त। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ा सौगात दे दिया है। बनारस में 2100 करोड़ की लागत से बनने वाली डेयरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश को विभिन्न चीजों से लैस किया जा रहा है और इसके से उत्तर प्रदेश को लेकर जी हां सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि डेयरी के शिलान्यास के बाद में तमाम किसानों की आय बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई। दूध का यह सबसे ज्यादा यहां पर होगा उत्पादन। बड़ी खबर है, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त। जीतन राम मांझी अब निकालेंगे विरोध प्रदर्शन मार्च। दरअसल आपको बता दें कि हम आदमी पार्टी तो है इस बार जो है वो जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर के बीजेपी का बयान जो सामने आया था इस पर प्रतिरोध मार्च निकालने जा रही है। प्रतिरोध मार्च जीतन राम मांझी निकाल रहे हैं और यह मार्च जो है वो बिहार के लिए एक दिशा निर्देश बन सकता है। बिहार के सियासत में जिस तरीके से भूचाल की तस्वीरें आए दिन सामने आती है, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने सबको चौंका कर रख दिया है। अब जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूं। जो लोग ब्राह्मण के खिलाफ मुझे बांधते हैं उन लोगों से 100 बार मैं कहने के लिए तैयार हूं अपने शब्दों का इस्तेमाल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नितिन गडकरी आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 3 परियोजनाओं का जी हां आज शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे को लेकर के शुभारंभ करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लगातार यूपी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा अपना तोहफा दे रही है और इस दौरान जी हां उत्तर प्रदेश को एक और परियोजनाओं का कई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जी आपको बता दें कि बेंजीम मायावती जी हां बीएसपी को लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है अब आज जिला पदाधिकारी और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगी और जायजा लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना बीएसपी का पकड़ है। बीएसपी के पकड़ को लेकर के सबसे बड़ा जी हां दाव खेला जा रहा है। दरअसल बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को साथ लाने की तैयारी कर रही है लेकिन इससे खास कुछ ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बेहद बड़ी खबर। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। नए साल के जश्न मनाने पर रोक लगाया जा रहा है, कई राज्यों ने रोक लगाया और साथ ही साथ बूस्टर डोज देने की बात चल रही है। देश में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी के माध्यम से अब आपको बता देना चाहते हैं कि कई राज्यों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते चिंताओं को लेकर प्रधानमंत्री से आज स्वास्थ्य विभाग के लोग मुलाकात करेंगे और जी हाँ डोज को लेकर के जायजा ली जाएगी के वेरिएंट खतरनाक। ठंडी के कारण लगातार लोगों की जान जाने की भी तस्वीरें सामने आ रही है। कई राज्यों में माइनस में गया ठंड, तो अब माइनस में ठंड जाने के साथ साथ मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया, कहा कि आप सभी सावधान हो जाएं। दरअसल आपको बता देते हैं कि दिल्ली की राजधानी में जिस तरीके से हवाओं का पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और इतना ही नहीं आपको बता दें कि लगातार हवाओं के पॉल्यूशन में ठंड का भी सबसे ज़्यादा कहर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। अरविंद केजरीवाल ओमिक्रॉन के बढ़ते चिंताओं को लेकर के बहुत जल्द बड़ा कदम उठा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लगाने की मांग भी की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के चिंताओं को देखते हुए आज केजरीवाल का जी आपको बता दें कि बैठक है और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू भी लगाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लग सकता है। ये बेहद बड़ा कदम होगा नाइट कर्फ्यू। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एक बार फिर से, आज केएमसी के चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि केएमसी चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली टीएमसी को अब आज कोर्ट का फटकार लग सकता है क्योंकि हंगामा जिस तरीके से चुनाव के बीच में हुआ था, इस हंगामे को लेकर के बीजेपी अब मामले को कोर्ट तक घिसेट ले गई है। अब इस मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगा और अपने निर्णय को लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आज प्रयागराज पहुंचेगा उत्तर प्रदेश का, आपको बता दें कि सबसे बड़ा, जी हाँ आपको बता दें कि रैली, आपको लगातार उत्तर प्रदेश की जीतने की तैयारी हो रही है। बीजेपी का जन विश्वास यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगा, इसमें कई लाख लोग शामिल होने की तस्वीरें सामने आएंगी। आज कितना हमारा शब्द बनेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद।